मैंने वो भी टेस्ट कर, लोड डाल के भी लोड टेस्टिंग करके देख लिया है मैंने। अब ये देखो, ये पर सेल में अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ, 1.9 2 वोट का पर सेल रहता है। ये देखो अभी मेरा एक सेल वीक है इसलिए वो 1.96 कुछ तो दिखा है, बाकी का सब 2 वोल्ट दिखा रहा था। तो मेरा ठीक है, मतलब 2 साल हो गया बैटरी को, तो इतना तो ठीक है, प्रॉपर है मतलब मेरा, क्योंकि कंपनी खुद आपको 2 साल, 1 साल का या 2 साल का वारंटी देती है। तो उसमें भी कैसा, 1 साल रिप्लेसमेंट रहता है और सेकेंड ईयर आपको FOB रहता है, मतलब आपको डिस्काउंट प्राइस देना पड़ता है। मतलब अगर बैटरी 6,000 की होगी तो सर्विस सेंटर आपको 3,000-4,000 में दे देगा। तो अभी ये चेक कर लिया मैंने सब सेल्स, सेल्स चेक होने के बाद अभी मैं मूव ऑन करूँगा, रेडिएटर कूलेंट टॉप अप करूँगा। अभी आप देख सकते हैं मेरा लेवल उतर गया है, कि 1 साल में आपका रेडिएटर कूलेंट लेवल मीन के नीचे ऊपर आ जाता है, मतलब मैक्स और मीन के बीच में, अगर आप टॉप अप नहीं करोगे तो। मैं, मेरा कार का यूसेज ज़्यादा नहीं है, पर ये साल मैंने ट्रिप की नॉर्थ की, तो उसकी वजह से वो कम हो गया था। तो अभी मैं इसको टॉप अप करूँगा। ये रेडिएटर कूलेंट है प्रीमिक्स 4060 है, मतलब जो OEM रेकमेंडेड है वही। और मैं अभी इसको पूरा फिल करूँगा, मैक्स के थोड़ा ऊपर रखूँगा। एक फनल लेना है आपको, फनल लेके तो उसमें पोर करना है, या तो फिर वो पूरा पाइप निकाल दीजिए रेडिएटर वाला, मुझे नहीं निकालना है। तो मैं इसे ऊपर, अभी मैंने भर दिया है मैक्स के ऊपर थोड़ा, बाद में मैं थोड़ा और ऊपर भर दूंगा। प्रॉपरली क्लोज करना है, देखना है लूज रह गया कि नहीं रह गया, और जहाँ एक्सेस कूलेंट गिरे वहाँ पानी डालना है थोड़ा, और क्लीन करके ले लेना है। अभी ये मैं ब्रेक ऑयल भी थोड़ा टॉप अप करने वाला हूँ। ये ब्रेक फ्लूड है मेरा 0.4 वाला OEM है, तो ये मेरा थोड़ा ब्रेक फ्लूड भी कम हो गया, मैं वो डालने वाला हूँ। ये सील पैक है, मुझे 116 रुपीज़ का गिरा है विदाउट शिपिंग। तो ये मैं अभी इसका सील ओपन कर देता हूँ, और फिर मैं कैप ओपन करूँगा। अगर आप कैप गलती से घुमा देते हो तो आपको सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा, कौन सा भी हो, इंजन हो, इंजन का कैप हो, या फिर वो ब्रेक फ्लूइड का कैप हो, ये आपको सर्विस सेंटर में ही मिलेगा। और अगर घुमा भी देते हो तो आप इसको ढक के ही रखना, इसको क्लीन कर लेना, और फिर बाद में इसमें ब्रेक फ्लूइड टॉप अप करना। अभी मेरा लेवल कम है तो मैं थोड़ा सा ही डालूँगा, देखो मैं डाल रहा हूँ, ये देखो मेरा हो गया टॉप अप। तो 50 ml रहेगा, 25 ml, तो मेरा टॉप अप हो गया। अभी हम मेन इस पे आते हैं, मेजर सर्विस में। मेजर सर्विस में क्या क्या करने वाला हूँ, OEM एयर फिल्टर रिप्लेसमेंट होने वाला है, OEM ऑयल फिल्टर रिप्लेसमेंट, इंजन ऑयल रिप्लेसमेंट होने वाला है, और थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग, सर्विस ड्यू रिमाइंडर रिसेट निकालने वाला हूँ मैं, ये सब मैं करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको इंजन कोल्ड स्टार्ट नहीं करना है, कुछ चालू नहीं करना है, जैसे वैसे रखना है। और एयर फिल्टर अभी क्लीन करने वाला हूँ, अभी एयर फिल्टर क्लीन कर रिप्लेस करने वाला हूँ। ये नया एयर फिल्टर है मेरा, जो मैंने आपको प्रीवियस इसमें दिखा था थिंग्स रिक्वायर्ड में। ये बोल्ट से जो ऊपर, वो आपको सब निकालने, 2, 3, 4, 5, 6 ये जितने भी बोल्ट्स हैं ये आपको निकालने, ध्यान पूरे निकालने, धीरे से लिफ्ट करना है, अदरवाइज नीचे गिर गया इंजन में तो निकालने इशू। ये मेरा ओल्ड एयर फिल्टर है, ये ओल्ड एयर फिल्टर मैं साइड में निकाल दूंगा, और नया वाला कंपैरिजन कर रहा हूँ, देखो कितना डस्ट और ये OEM वाला इतना कुछ खास नहीं है, जो अंदर का पोर्शन है उसे क्लीन कर लो।
आपको चाहिए तो आप थ्रोटल बॉडी से आप भी क्लीन कर सकते हो, मैं बाद में करने वाला हूँ, क्योंकि जब एयर फिल्टर खुलता है तभी आपका थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग होती है। तो मैं थोड़ा कम, ये एयर फिल्टर का कंपार्टमेंट में डस्ट है तो मैं इसे क्लीन करके ले रहा हूँ। अच्छा सा एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेना है और क्लीन करना है सब एरिया, इसमें सब डस्ट जाता है। गीले कपड़े से करोगे तो भी चलेगा, मैं ड्राई क्लोथ से ही कर रहा हूँ। देखो यहाँ मेरे डक्ट्स रहते हैं, उसके बेड्स देखो कितना मिट्टी, उसमें धूल जमा हो जाता है। ये सब आपको ऐसे क्लीन करके लेना है, प्रॉपरली डस्टिंग करना है उसे। वैक्यूम क्लीनर होगा आपके पास तो और अच्छा है, ब्लोअर मार के वो डस्ट उसमें से निकालने। मेरे पास जितना था रिसोर्स में उसका यूटिलाइज कर रहा हूँ। ये एयर फिल्टर है OEM, 509 रुपीज़ का गिरा है, ये प्रॉपरली फिट हो गया। अभी मैं इसका कवर डालूँगा और इसे टाइट करने लूँगा। आपको एयर थ्रोटल बॉडी भी क्लीन करना है तो इसके पहले कर लेना, मैं इसे लिफ्ट करके करना। अभी मैं इंजन ऑयल का लेवल देख रहा हूँ, मेरा ओल्ड इसका इंजन ऑयल का लेवल तो ठीक है, पर इंजन ऑयल का थोड़ा कलर देख सकते हो अब चेंज हो गया। मैंने ये इंजन कैप निकाले इंजन ऑयल का और मैंने वो स्टिक से मेजर किया है, तो इंजन ऑयल तो है इसमें। अभी देखते इंजन ऑयल चेंज करते, तो प्रीवियस वाला का कलर थोड़ा ऐसा गाढ़ा हो गया और क्वालिटी कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 10,000 के ऊपर गाड़ी चलाई है, मतलब 16,000 चलाई है। ये स्टिक क्लीन करके फिर से एक बार देख लेते, ये देखो ये इंजन ऑयल दिखाता है, मिनिमम के बीच में दिखा रहा है। डबल क्रॉस चेक कर लिया मैंने। अब ये नीचे इंजन बे के नीचे है ना ड्रेन बोल्ट रहता है आपका, ये देखो। तो अभी ये 16 नंबर का आपको व्रेंच लेना है या स्पैनर लेना है या स्पैनर लेके उसको ओपन करना है। अभी मैंने ओपन कर दिया है, थोड़ा ताकत लगा के करना। दूसरा एक आता है व्रेंच, वो लेना। ये देखो 16 नंबर का व्रेंच लेके मैंने पूरा ऑयल ड्रेन कर दिया। ये ऑयल का क्वालिटी देखो कैसा है, ब्लैक हो गया पूरा। मैंने थोड़ा WD-40 मारा है उधर, क्योंकि ओपन नहीं होता है इतने जल्दी से, सर्विस सेंटर वाले मशीन से टाइट करते हैं। ये ऑयल फिल्टर है, ये ऑयल फिल्टर का ऐसा कैप मिलता है। अभी देखो मैं खोल रहा हूँ नीचे से, ऑयल फिल्टर मेरा सब नीचे गिर रहा है। तो इसका कैप मिलने के बाद इसको घुमाना है और वो निकल जाता है। देखो ये ऑयल फिल्टर निकल, इसको क्लीन करना है ऑयल फिल्टर का पार्ट। क्लीन माइक्रोफाइबर लेना है, ये क्लीन हो गया। क्लीन होने के बाद नया ऑयल फिल्टर लेना है आपको, और 3/4 के हिसाब से टॉर्क रेंच से लेके आपको नया ऑयल फिल्टर लगाना है। अभी मैं ऑयल फिल्टर लूँगा और उसके जो सील ये गास्केट रहता है ब्लैक कलर का, उसको ऑयलिंग करना है थोड़ा, ताकि वो फिट हो सके। लूज रखोगे तो वो पूरा लीक हो जाएगा, तो प्रॉपर 3/4 फोर्स से टाइट करना। जो ब्लैक रिंग है उसको ही, रबर ब्लैक रिंग है उसको ही ऑयल लगाना, बाकी यहाँ हाथ मत लगाना, आपका हाथ कट जाएगा। वो कुछ हाई क्वालिटी का ऑयल फिल्टर नहीं है, वो पूरा हाथ कट जाएगा आपका। तो सिर्फ वो ब्लैक रिंग को ही, रबर रिंग को ऑयल लगा के लुब्रिकेट करके आपको लगाना है। तो मैंने लगा दिया, अभी मैं टाइट भी कर दूंगा फ्रेंच से, एक बार चेक करूंगा मैं। हाँ ठीक से बैठा है, टाइट हो गया है मेरा। नीचे जो ऑयल गिरा है वो प्रीवियस जो ना ऑयल फिल्टर निकला है उसका है। अभी ये मैं ऑयल फिल्टर का जो ये टूल है वो लगा के टाइट करने वाला हूँ मैं, 3/4 के हिसाब से वैसे करने वाला हूँ, ताकि कैसा नीचे वो लीक ना रहे और ना कुछ। ये देखो
ये नट है, ड्रैग बोल्ट बोलते हैं इसको, ड्रैग बोल्ट राइट साइड करोगे तो टाइट होगा, लेफ्ट साइड करोगे तो ये रिमूव होता है, लूज होता है। तो अभी ये देखो, ये ड्रैग बोल्ट मैंने टाइट कर दिया, इसका वॉशर आता है वो भी प्रॉपरली याद रखना और वॉशर लगाना। अभी ये फनल लिया है, फनल लेने के बाद में अभी ये इंजन ऑयल है कैस्ट्रोल का 3.5 लीटर का, ये मैं पूरा पोर करने वाला हूँ। डबल क्रॉस चेक करना और नीचे देखना कि ड्रेन बोल्ट बंद है प्रॉपरली और ऑयल फिल्टर प्रॉपरली बंद है, उसके बाद ही पोर करना, अदरवाइज। और वो जो ड्रेन बोल्ट है उसके वॉशर लगा हुआ है, ये देखो मैं इंजन ऑयल पोर कर रहा हूँ 3.5 लीटर वाला। अब ये पूरा यूटिलाइज करूँगा वो ऑयल, तो ये थोड़ा ड्रिप हो रहा है, तो जितना है उसमें ऑयल वो उसमें गिरने दूंगा और मैं स्टिक निकाल के चेक करूँगा, ऑयल क्लीन करूँगा उसको और लेवल देखूँगा। हाँ, ऑयल का देखो अभी कलर कैसा, एकदम अच्छा क्लीन दिख रहा है, पहला कैसा ब्लैक ब्लैक हुआ था। ऑयल फिल्टर को मैं थोड़ा अच्छे फाइबर क्लॉथ से वाइप कर दूंगा, कि चेक करना है मुझे बाद में क्या कहीं लीक भी तो नहीं है क्या करके। तो ये मेरा अभी ऑयल डाल के हो गया, उसका कैप भी क्लीन करूंगा, इंजन कैप, ये ऑयल कैप है इंजन का, प्रॉपरली टाइट करूंगा, चेक डबल क्रॉस चेक करना कहाँ लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गाड़ी स्टार्ट करना, 5-10 मिनट के लिए रनिंग में रखना इंजन ऑयल और चेक करना नीचे ऑयल हो रहा है क्या। मैं देख रहा हूँ मेरा तो नहीं हो रहा है लीक, ये मैंने WD-40 मारा है वो उसका स्प्रे का निशान है, तो मेरा लीक नहीं हो रहा है, मेरा परफेक्ट है सब। ऑयल फिल्टर के एरिया पे देखना और जो ओल्ड ऑयल है आपका वो आपको एक कैन में रखना है, जो वही कैन में से आपने नया ऑयल डाला था, और बाद में अगले सर्विस में आपको कंपैरिजन करना है OEM ऑयल का क्वालिटी कैसा है और कैस्ट्रोल वाले का क्वालिटी कैसा है, इसलिए मैं वो संभाल के रख रहा हूँ। तो मेरा कुछ तो 3 लीटर निकला है ओल्ड ऑयल, मतलब मेरा सिर्फ 500 ml ही ऑयल यूटिलाइज हुआ था एक साल में, आप देख सकते हो उधर मार्किंग रहता है वो कैन पे, तो मेरा 3 लीटर। अभी मैं ये पूरा रेडिएटर, ये अपना एयर फिल्टर का पूरा AC मैंने ऊपर उठा है और ये मैं थ्रॉटल बॉडी क्लीन कर रहा हूँ। ये एब्रो का स्प्रे है थ्रॉटल बॉडी और कार्बोरेटर क्लीनर, तो मैं उससे क्लीन कर रहा हूँ, जितनी भी गंदगी है वो क्लीन हो जाती है उससे। सर्विस सेंटर में इसका 1200 या 900 रुपये लेते हैं कुछ। ये देखो मैंने ये एयर फिल्टर ऐसी है उसे लिफ्ट किया है, मेरा खुल नहीं रहा है, वो नट मेरा ख़राब है वो साइड का, तो मैंने इसे ऊपर ऊपर से क्लीन किया। तो ये अगर आपको वाइपर भी चेंज करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, मैं बॉश एड क्लियर एडवर्ड ये वाइपर है 24C है और 15C है, ड्राइवर साइड रहता है वो 24 रहता है और को ड्राइवर साइड वाला 15C है, ये साइजेस है उसके, आप वो भी चेंज कर सकते हैं वाइपर, साल में एक बार चेंज करना रहता है वाइपर। तो ये आपके स्टॉक और OEM वाइपर है राइट में, और लेफ्ट में बॉश के वाइपर है, तो ये फ्रेमलेस वाइपर है, आप दोनों में डिफरेंस और क्वालिटी देख सकते हो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये मैंने वाइपर भी चेंज कर दिए, ये मुझे कुछ 800 रुपये में गिरे थे, ये मैंने अमेजोन से मंगाए थे, आप भी मंगा सकते हो, मैंने सब लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, मेरे ब्लॉग पे आपको सब मिल जाएगा, मैंने जो जो यूज़ किया उसका प्रोडक्ट लिंक से लेके सब। अभी अपन सर्विस ड्यू का जो रिमाइंडर आता है ड्यू सर्विस करके उसे रीसेट करेंगे, आप
क्योंकि सर्विस सेंटर वाले लैपटॉप से करते हैं, अभी मेरे पास तो लैपटॉप है नहीं तो मैं मैन्युअली करने वाला हूँ। इसे फोर्स रिसेट भी बोलते हैं। तो अभी मैं सेट का बटन 20-25-30 सेकेंड के लिए दबाऊंगा जब तक ऊपर लिख के नहीं आता सेट रिसेट। ये देखो, और वो जो आपका 0 किलोमीटर है ना या नंबर रहेगा वो ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा। वो छोड़ना है थोड़ा और फिर से दबाना है उसको 2-3 सेकेंड का गैप देके, और ऊपर आना चाहिए डन। तो अभी देखो मैंने फिर से दबा के रखा है, जब तक डन नहीं आता, डन आ गया मैंने छोड़ दिया सेट। अभी मैं आपको मोड टॉगल करके दिखाऊंगा। देखो मेरा निकल गया ड्यू सर्विस का। अभी मेरा क्लॉक 24 आवर्स का हो गया, मैं उसको 12 आवर्स में करूँगा। मोड का बटन दबा के रखना है तो ऑटोमेटिकली 12 आवर्स। ये सर्विस कॉस्ट है, खुद से करोगे तो 4,231 रुपीज़ होगी, और ये सब पार्ट्स और ये सब है इतना। और सर्विस सेंटर से कराओगे विदाउट एमसी 5,000-6,000 अप्रॉक्स, और ये सब उसमें सर्विस में कवर होगा। और ये विथ एमसी है 5,300, 1 साल का एमसी रहते हैं। और ये सर्विस लॉग है, कब आपका सर्विस कितने किलोमीटर पे होता है, मेजर माइनर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।